फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये कहते हैं कि अमाउंट टू का क्या इस्तेमाल है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम अमाउंट टू का कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं अमाउंट टू के बारे में बताऊं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया जो था नथिंग लेस देन, और नथिंग लेस देन के बारे में मैंने जो समझाया वही चीज अमाउंट टू के बारे में मैं आपको कहूंगा। यानी अगर एक एंगल से देखा जाए तो अमाउंट टू और नथिंग लेस देन दोनों एक ही चीज हैं और दोनों एक ही बात कहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो फिर आप नथिंग लेस देन की जगह पर अमाउंट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। सबसे पहले आप हिंदी एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करें। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप अमाउंट टू या नथिंग लेस देन का इस्तेमाल सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने लिखा है चोरी करना धोखा देने के बराबर है, यानी ये काम करना इस काम करने के बराबर है। और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है चोरी करना धोखा देने से कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, जरा आप इन दोनों सेंटेंस पर गौर करें और सोचें ये दोनों सेंटेंस क्या कहती हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि दोनों सेंटेंस एक ही बात कहती हैं कि चोरी करना धोखा देने के समान है, या चोरी करना धोखा देने के बराबर है, या इक्वल है। जैसे चोरी करना धोखा देने के बराबर है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है चोरी करना धोखा देने से कम नहीं है, यानी धोखा देने से कम नहीं है मतलब धोखा देने के बराबर है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले जहां आप कहते हैं कोई एक नाउन दूसरे नाउन से कम नहीं है, या कोई एक नाउन दूसरे नाउन के बराबर है या इक्वल है, तो इस कंडीशन में आप अमाउंट टू या नथिंग लेस देन का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। चाहे आप अमाउंट टू का इस्तेमाल करें या नथिंग लेस देन का इस्तेमाल करें, दोनों का सेंस वही होगा कि कोई एक नाउन दूसरे नाउन से कम नहीं है या दूसरे नाउन के बराबर है या इक्वल है। आइए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में इस बात को समझें। स्टीलिंग अमाउंट्स टू चीटिंग, यानी ये जो चोरी का काम है वो धोखा देने के काम के बराबर है। और दूसरा एग्जाम्पल है स्टीलिंग इज नथिंग लेस देन चीटिंग, यानी ये चोरी का काम धोखा देने के काम से कम नहीं है, यानी उसके बराबर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह बात आप समझें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको जरा स्ट्रक्चर बता दूं कि अगर आप अमाउंट टू का इस्तेमाल करेंगे तो अमाउंट टू का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी आपके सेंटेंस जिस टेंस में रहे उस टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो आप फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म लिखेंगे। बाय द वे, अगर आपके सेंटेंस पास्ट में हो तो आप सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंस आता है, क्योंकि मैं टेंस का लेसन बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब आपको वो लेसन आते हैं। तो अमाउंट टू का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, जिस टेंस में है उस टेंस के हिसाब से बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो इन दिनों $1.80 के बराबर है, तो आप कहेंगे $1 amounts to 80 rupees these days, यानी आजकल $1.80 के अमाउंट्स टू है, यानी बराबर है। आइए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को पास्ट में देखते हैं। लिखा है 1945 तक $1 के बराबर था, तो आप कहेंगे $1 amounted to 1 rupee till 1945। तो फ्रेंड्स, जब आपके सेंटेंस पास्ट में हो तो आप अमाउंट के जगह पर अमाउंटेड टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप उसे पास्ट इंडेफिनिट के मदद से ट्रांसलेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि अब आपको यह कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अमाउंट टू मतलब इक्वल होना या बराबर होना। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस आप अक्सर बचपन में सुने होंगे, जैसा कि बचपन के दिनों में मुझे बुखार हो जाया करता था और उस पीरियड में अगर मैं कुछ ठंडी चीजें जैसे दही आइसक्रीम खाने को कहता तो अक्सर मेरी माँ कहती कि दही तुम्हारे लिए जहर के बराबर है या आइसक्रीम तुम्हारे लिए जहर के बराबर है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप सुने होंगे जब हम छोटे बच्चों को सलाह देते हुए कहते हैं कि दही तुम्हारे लिए जहर के बराबर है, या आइसक्रीम तुम्हारे लिए जहर के बराबर है, या फ्रिज का पानी तुम्हारे लिए जहर के बराबर है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कर्ड अमाउंट्स टू पॉइजन फॉर यू, यानी ये जो कर्ड है ये जहर के अमाउंट्स टू है, यानी
यह जहर के बराबर है। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो ठंडा पानी तुम्हारे लिए जहर के बराबर है तो आप कहेंगे कोल्ड वाटर अमाउंट्स टू पॉइजन फॉर यू। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो इस कंडीशन में आइसक्रीम तुम्हारे लिए जहर के बराबर है तो आप कहेंगे आइसक्रीम अमाउंट्स टू पॉइजन इन दिस कंडीशन। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो सच छिपाना झूठ बोलने के समान है या सच छिपा लेना झूठ बोलने के बराबर है तो आप कहेंगे हाइडिंग ट्रूथ अमाउंट्स टू टेलिंग अ लाई, यानी ये काम करना इस काम को करने की इक्वल है या बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह दो टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आप इस कंसेप्ट को समझे तो क्या इन दोनों टॉपिक पर दो दो सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।